नाज़रीन सलामुन अलैकुम, आज ईद गदीर है, उसकी हम आप सभी को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम नवाबगंज कर्बला कानपुर आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे काम माशाल्लाह से हो चुके हैं, जैसे पेंटिंग का काम, पीछे दीवार जो बन रही है वो भी माशाल्लाह से कंप्लीट पे है, और कई काम हो रहे हैं। हम यहाँ पे जानेंगे कि मैनेजर काशिफ नकवी के जानिब से जो यहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं और कर्बला को इतना अच्छा बनाया जा रहा है, उसके बारे में अली अब्बास साहब जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे वीडियो बनाने आते रहते हैं, इनसे पूछेंगे कि पहले क्या कैसी थी कर्बला और अब क्या बदलाव हुए हैं कर्बला में, कितने सारे काम हुए हैं यहाँ पर कर्बला में जनाब काशिफ की जानिब से, आप बताइए अली जनाब। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन जो भी काम मैनेजर काशिफ नकवी की जानिब से हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे कानपुर के मोमिन की जानिब से कि जो उन्होंने कर्बला में काम किए हैं। तो सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि ये इसकी कर्बला की जो एक दीवार थी साइट की, वो टूटी हुई थी, जिसकी वजह से रात में जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर आ जाते थे जो कि कब्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते थे। तो एक बार एक पल के लिए महसूस करिए कि खुदा न खास्ता किसी आपके अपने की कोई कब्र को बने हुए एक दिन हुआ है और उसकी रात में अगर वो कुत्ता आकर उसकी कब्र को खोद दे, तो अगर आप सुबह आएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। यकीनन इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा था और कोई आगे नहीं आ रहा था अभी तक। खैर, यहाँ पर जो भी लोग थे वो जाने, उनका ईमान जाने, लेकिन अभी जो हुआ है मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस मक्खी की तरह मत बनो कि जो पूरा जिस्म छोड़कर खाली ज़ख़म पर बैठती है। लिहाजा जो बेहतर है वो इस समय इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा वो दीवार बनी, उसके अलावा जब आप कर्बला में एंट्री करते हैं वैसे ही आपको वहाँ पर एक अभी 2 से 3 दिन के अंदर या इंशाल्लाह ईद मुबाहला तक आपको एक बहुत बड़ा मशके सकीना और मौला अब्बास अलैहि सलाम का अलम दिखेगा, जहाँ पर जो है वो एक अलम के लिए जो है एक जगह जो है एक जहाँ पर अलम नस्ब किया गया है, वहाँ पर सबील सकीना और बीबी सकीना की सबील और वहाँ पर बीबी सकीना की मश्क और मौला अब्बास का अलम लगाया है, जो यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपको यकीनन देख के जो है वो बहुत सुकून मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर काम हैं जो किए गए हैं, लिहाजा मैं सभी कानपुर के मोमिन की जानिब से जनाब काशिफ नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे भी एक अपील करता हूँ कि आप जब भी कर्बला आएँ तो जो भी आपकी हैसियत हो अपनी हैसियत के हिसाब से कर्बला में ताउन ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रोग्राम और यहाँ पर जितने भी काम होते हैं कोई इंसान अपनी जेब से नहीं करवा पाएगा, लिहाजा आपके ताउन से ही होते हैं और यहाँ पर जो भी मरहूमीन यहाँ पर दफन हैं वो आपके ही घर के हैं, लिहाजा ये भी आपका एक घर है और आपको एक वक्त बाद लौटकर यहीं आना है। लिहाजा आप जिस अभी घर में रह रहे हैं उसमें आप टाइल्स लगवा लें, ये बड़ी बात नहीं है, आपको आखिरत में जिस घर में, आखिरत जिस घर से आपकी शुरू होगी, अगर वो घर आपका अच्छा हो जाए तो यकीनन बेहतर हो जाएगा। और कर्बला में पैसा लगाने का मतलब है कि आप अपनी दुनिया भी संवारेंगे और अपनी आखिरत भी संवारेंगे, लिहाजा ताउन ज़रूर करें जब भी आएँ, जितनी हैसियत है आपकी उस हैसियत के हिसाब से कर्बला में ताउन ज़रूर करें। शुक्रिया। ये अली अब्बास साहब से जो कि माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे आप देखते रहते हैं उनकी वीडियो, और एक और जनाब इजरान कानपुरी साहब जो यहाँ पे आया करते हैं वीडियो बनाने के लिए, माशाल्लाह इनसे भी जानकारी लेंगे कि हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बदलाव देखे और माशाल्लाह से इनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं इजरान सैदी और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यकीन मानिए कि मैं जिस वक्त मैंने कर्बला के अंदर कदम रखा तो मुझे एक जन्नत का नज़ारा, एक जन्नतुल फिरदौस जिसे कहते हैं, उसका नज़ारा समझ में आ रहा था। मुझे शेर याद आ गया कि अपनी आंखों से हकीकत देख ली, कर्बला पहुंचा तो जन्नत देख ली। हकीकत है कि जिस हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है एक साल के अंदर, वो कोई अभी तक 20 सालों में कोई मुतवल्ली ने काम नहीं कराया है। मैं कर्बला जब आता था, क्योंकि मेरे वालिदैन की यहाँ पे खबर है, मेरे नाना नानी की खबर है, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी खबरें हैं, वहीं पे एक दीवार टूटी हुई थी जहाँ से कुत्ते आ जाते थे अक्सर, और कुत्ते जो मतलब मैयतें होती थी उसको खींच के ले जाते थे, मतलब बहुत बेहुरमती होती थी अक्सर, मैंने कर्बला में ये सुना है, पेपर में आया। लेकिन आज हमारे भाई जनाब काशिफ नकवी साहब की जानिब से दीवार माशाल्लाह बनी और बहुत मतलब बेहतर दीवार बनी। खाली दीवार नहीं खड़ी करी गई है, उसमें नींव डाली गई है, बाकायदा पिलर डाले गए हैं, और आज कर्बला में ऐसे ऐसे काम हो गए हैं जो कभी 20 साल में नहीं देखे। कभी भी आप जब बारादरी जाएंगे तो वहाँ पे एक कुआं है, वहाँ अक्सर लोग जाते थे तो उनके पैर जलते थे जब वहाँ पे सर्किल पे जाते थे धूप में, जैसे आप 11-12 बजे के समथिंग टाइम चले जाएँ तो बहुत जलते थे पैर, वहाँ से लोग भागते थे। तो वहाँ अभी टीन शेड डलवा दिया है काशिफ भाई ने, जज़ाकअल्लाह, मश्क तामीर हो गई है। और ऐसे बहुत से काम हैं, मैं क्या क्या काम गिनाऊँ, बस मौला उनको
अज्र दें इसका, और आप सबसे दुआ है कि करबला आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, और हमारे इस्माइल चैनल पे आपको पूरी करबला दिखाई जाएगी। इस्माइल भाई ये भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे काम हुआ, ताकि हम लोगों को आप ये ना समझें कि हम लोग खाली बोल रहे हैं। ऐसी जैसे वो रास्ता पीछे घुमा भैया, जैसे वो रास्ता है वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे पहले मिट्टी पड़ी हुई थी, वहाँ पे जो लोग जाते थे फिसल के गिरे। जैसे ही काशिफ भाई को पता चला कि एक लेडी औरत गिर गई, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने ईंटें डलवा दी। ऐसे बहुत से काम करबला में हुए, जब आप करबला आएंगे नवाबगंज करबला में तब आपको पता चलेगा यहाँ क्या क्या काम हुआ। जज़ाकअल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें आपका भाई इज़हरान ज़ैदी। बहुत बहुत शुक्रिया ईज़हरान भाई। और अब हम यहाँ पे एक अजीम शख्सियत जो कि हमारे सामने खड़े हैं, मौलाना प्यारे बाबा साहब हैं, जो इनसे भी पूछेंगे कि माशाल्लाह से ये आप बताएं करबला के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन जो मुझे देखते रहते हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सबको पहले शबी ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हम कानपुर की बड़ी करबला में मौजूद हैं, जो मौजूदनुमा मौजूदों से लबरेज ये करबला। यहाँ पर तमाम तरह की बीमारी के लोग आते हैं, यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट, जादू शहर के पेशेंट और आते हैं और मौला उनको शिफा देते हैं। ये हिंदुस्तान में जिस तरह से जोगीपुरा, हुसैन टेकरी, बगरा, समाना और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ पर इस तरह के मौजूदनुमा रोज़े हैं, उसी में सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कानपुर में नवाबगंज बड़ी करबला भी एक मौजूदनुमा जगह है। मेरी उम्र आपको लगी रहा होगा चेहरे से, हम लोग कहते हैं कि देखिए उम्र सही है और उम्र गलत है, हम उम्र की बात भी नहीं करते, वो बेहतर है, क्योंकि आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये आज से 322 साल पहले यहाँ के नवाबीन मीर आगा जो आए थे लखनऊ से, उन्होंने इसको तामीर कराया था। इस ज़मीन पर करबला मौला की मिट्टी है, इसलिए ज़रूर आप समझ लीजिए कि ये मौजूदनुमा ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात, तमाम खानवादे के अजीम शख्सियत और अजीम इबादत गुजार लोग यहाँ पर दफन हैं। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक इस करबला के अंदर इतना अजीम काम नहीं देखा जितना अजीम काम काशिफ साहब ने करवाया अपने 2 साल के दौर में। और अल्लाह ताला जो है जितने मोमिनीन ने इसके अंदर तआवुन किया उनकी रिज़्क और रोज़ी में अल्लाह बरकत दे। और हम मौदबाना गुजारिश करेंगे कि जितने ज़्यादा ज़्यादा जिसके पास खुद का पैसा हो वो इस करबला में दे, ताकि करबला और अच्छी बन सके। और आप लोग यहाँ पर आएँ, जिस तरह से ईरान इराक लोग जाते हैं और वहाँ के कब्रिस्तान में बैठते हैं तो लगता है जैसे हम जन्नत में बैठे हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पर लगे कि हम कब्रिस्तान में नहीं आए हैं, एक जन्नत में बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अगर ये पस मंज़र आपको देखना है तो बड़ी करबला आइए, जहाँ पर हर फिरके का आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, सरदार हो, हर मतलब का आदमी यहाँ आता है और कहता है आका हुसैन हमें शिफा दे दीजिए, मौला हुसैन हमें शिफा दे दिए, मौला अब्बास हमें शिफा दे दिए। ये हिंदुस्तान में कानपुर में ग्वालटोली से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर नवाबगंज बड़ी करबला, ग्वालटोली को छोटी करबला कहा जाता है, वहाँ पर छोटी करबला है और ये बड़ी करबला है। आप जब आएँ इंशाल्लाह कानपुर तो हम दावतनामा देते हैं कि कानपुर में 2 जगहें मखसूस हैं, एक ग्वालटोली मकबरा में छोटी करबला और एक नवाबगंज में बड़ी करबला। और यहाँ जो भी दुआ आप मांगेंगे इंशाल्लाह ताला वो दुआ कबूल होगी। वाखो दावाना वल्हम्दुलिल्लाह अब्दहु अर्सलबुलक बशीर नज़ीरा इन्नल्लाहा मलाइकातुहु यसल्लूना नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपसे गुजारिश करते हैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करते हैं नवाबगंज करबला ज़रूर ज़ियारत करने आएँ, और जो भी ताउन हो सके, जो भी यहाँ की खिदमत कर सकते हैं आप वो ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और करबला में क्या अच्छे काम हो सकते हैं,
और क्या काम जो हैं वो नहीं होना चाहिए हैं, वो आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।